You know, the journey of 2 hours can be done in 20 minutes. As in, you wouldn't even believe it. Matlab, like, who would have thought something like this was possible? And aaj, matlab, Navi Mumbai se Mumbai tak, aur Goa se Mumbai tak, aur Bangalore se Mumbai tak, when all the journeys made so easily and with such amazing infrastructure, makes me feel proud. जब वर्ल्ड के बाकी हेरिटेज साइट्स हम देखते थे तो लोग कहते थे कि इंडिया में ऐसे स्ट्रक्चर्स हो ही नहीं सकते, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल का हो ही नहीं सकता, इंडिया नहीं बना सकता. तो अब हमने ये कर दिखाया अटल सेतु, हाँ जी, तो वर्ल्ड हम क्रिटिसाइज करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? अब तो इंडिया ने ना सुनना, दे आर नॉट विलिंग फॉर इट एनी मोर. तो आई थिंक नाउ एटलीस्ट इंडिया इज नॉट स्टॉपिंग एनी वेयर. नोबडी इज सेइंग इट्स नॉट पॉसिबल इन इंडिया, अब हो नहीं सकता, और यू नो इट्स इम्पॉसिबल फॉर इंडिया. नोबडी इज लाइक, लुक एट अवर कंट्री ग्रो, लाइक इट्स फ्रिकिंग ब्रिलियंट द वे इन द लास्ट 10 years द कंट्री इज ग्रोन, एंड यू नो द इंफ्रास्ट्रक्चर टुडे, द प्लानिंग इन अवर कंट्री, द रोड प्लानिंग, एवरीथिंग इज जस्ट ब्रिलियंट. सो आई थिंक नाउ इट्स द हार्ड टाइम. इंफ्रा का कोई ऐसा काम होने में पहले दशकों लग जाते थे, सिर्फ 7 साल में बना है, तो जो टाइम. हाँ जी, यहाँ मतलब आई जस्ट गॉट टू नो अभी कि इट्स ऑल डन इन 7 years, एंड इट्स वॉट 20 किलोमीटर्स. इट्स अमेजिंग, लाइक लुक एट इट, इट्स आई एम स्पीचलेस ऑनेस्टली. ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, बहुत तारीफ हो रही, पूरी दुनिया भर में इसकी बात हो रही है. भारत के लोग तो इसको एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में अब लोग इसको बड़े सम्मान की नजर देख रहे हैं. क्या कहेंगे आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद कैसा काम करें? मुझे लगता है कि अभी द यंग जनरेशन, द यंग इंडिया इज ग्रोइंग एट सच अ फास्ट स्पीड, एंड इट्स द यंग जनरेशन एज इन इंडिया is the smartest country, I would like to say. I take pride in it, and I think like it's something that the young Bharatiya, like, they have to vote, and they're being very responsible now, and it's no more that they're getting influenced by, you know, whatever you say. People are actually seeing, people are being very responsible, people are being very smart about it, and I think we're headed the right way. As a young Bharatiya, to all of you, from this majestic architecture, the majestic infrastructure, Atal Setu, vikas aur development rukna nahi chahiye. Vikas aur development ke liye vote kariye.